क्वेश्चन नंबर फोर फैक्टराइज़ पार्ट वन टवेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन सो यहाँ हम फैक्टराइज़ करने के लिए सबसे पहले करते हैं ए और सी का मल्टीप्लाई यानी हम सबसे पहले ए सी करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सो ए का वैल्यू हो जाता है ट्वेल्व बी का वैल्यू हो जाता है माइनस सेवन एंड सी का वैल्यू हो जाता है वन अब हम सबसे पहले ए सी करते हैं दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई सी सो दैट इज़ ट्वेल्व अब हम ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर ढूँढेंगे जिससे माइनस सेवन आ जाए दैट इज़ वी आर गोइंग टू डू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सो ट्वेल्व के फैक्टर्स होते हैं थ्री फोर ज ट्वेल्व क्योंकि हमें पॉजिटिव ट्वेल्व चाहिए तो दोनों नंबर सेम साइन के होने चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव जब दोनों पॉजिटिव हैं तब हमें क्या मिल रहा है थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व पॉजिटिव ट्वेल्व मिल रहा है एंड दोनों नेगेटिव हैं तब भी हमें ट्वेल्व मिल रहा है इनको प्लस करने पर हमें क्या मिल रहा है सेवन और यहाँ पे माइनस सेवन सो वट डू वी नीड हमें प्लस सेवन चाहिए माइनस सेवन हम इक्वेशन में देखते हैं हमें माइनस सेवन चाहिए सो so हम ये वाले फैक्टर्स नहीं लेंगे हम ये वाले फैक्टर्स लेंगे दैट इज़ माइनस थ्री माइनस फोर अब हम यहाँ पे स्प्लिटिंग करते हैं ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन अब यहाँ पर हम यहाँ पे हम पेयर बना लेते हैं पहले दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स सो so, पहले दो टर्म्स में से हम थ्री और एक्स कॉमन लेते हैं क्या बचता है फोर एक्स माइनस थ्री एक्स पूरा बाहर आ चुका है सो इट इज़ ओनली वन कुछ भी नहीं बचा इन दोनों में कुछ नंबर कॉमन नहीं है वेरिएबल कॉमन नहीं है सो so हम माइनस वन कॉमन ले लेते हैं यहाँ बचता है फोर एक्स क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा इट इज़ माइनस वन नाव वी कैन सी के पूरे ब्रैकेट सेम टू सेम आ चुका है सो फोर एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस वन फोर एक्स माइनस वन हमने कॉमन लिया यहाँ बचता है थ्री एक्स माइनस वन सो दीज आर द फैक्टर्स सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में भी हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ए सी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है ए का वैल्यू है टू बी का वैल्यू है सेवन सी का वैल्यू है थ्री सो ए सी का वैल्यू क्या होगा टू मल्टीप्लाई थ्री दैट इज सिक्स अब सिक्स के ऐसे फैक्टर फाइंड करें हम कि सेवन आ जाए सो so, सिक्स के फैक्टर्स बनते हैं सिक्स वन जा सिक्स, अब इनको अगर हम प्लस कर लेते हैं सो सिक्स प्लस वन सेवन हो जाता है सो हियर वी गॉट द फैक्टर्स अब हम स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को सिक्स एक्स प्लस वन एक्स दैट इज एक्स प्लस थ्री सो अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में से टू एक्स कॉमन आता है इधर बचता है एक्स प्लस यहाँ बचता है थ्री टू थ्री जिक्स होता है प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है सो वी राइट हीर वन यहाँ बचता है एक्स प्लस थ्री नाउ वी कैन सी एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इज़ अ कॉमन ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉमन हो गया यहाँ बचा टू एक्स प्लस वन सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल नाउ पार्ट थ्री सिक्स एक्स स्क्वायेर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स यहाँ पे भी हम ए का वैल्यू लिख लेते हैं सिक्स बी का वैल्यू फाइव सी का वैल्यू माइनस सिक्स सबसे पहले हम ए सी करेंगे ए सी इज़ सिक्स इंटू माइनस सिक्स दैट इज माइनस थर्टी सिक्स अब माइनस थर्टी सिक्स के हमें फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसमें फाइव आ जाए सो फैक्टर्स हैं नाइन फोरजा थर्टी सिक्स नाइन और फोर को प्लस माइनस करने पर फाइव बन सकता है कैसे हमें चाहिए पॉजिटिव फाइव तो बड़े नंबर को हम प्लस दे देते हैं छोटे नंबर को माइनस दे देते हैं नाइन माइनस फोर इज फाइव सो हियर आर अवर फैक्टर्स प्लस नाइन माइनस फोर सो हम स्प्लिट कर लेते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स यहाँ पर हम पहले दो टर्म्स में से थ्री दोनों थ्री के टेबल में आते हैं थ्री एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ बचता है टू एक्स प्लस थ्री थ्री आर नाइन यहाँ पे फोर और सिक्स में क्या बचता है टू कॉमन है सो so, हम यहाँ पर टू एक्स लेते हैं माइनस हम बाहर ले चुके हैं इसलिए अंदर साइन बदल जाएगा टू थ्री जा सिक्स होता है नाव टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स प्लस थ्री इसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ बचता है थ्री एक्स माइनस टू सो ये मिल जाते हैं हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स नाव पार्ट फोर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर यहाँ पर भी हम सबसे पहले ए सी निकालेंगे सो ए इज़ थ्री एंड सी इज़ माइनस फोर सो ए सी इज़ माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर करने के कि वन आ जाए माइनस वन एक्स सो देट इज़ फोर जो ट्वेल्व अब क्योंकि हमें माइनस वन चाहिए तो बड़े नंबर को माइनस दे देंगे छोटे नंबर को प्लस अब हम देख सकते हैं माइनस फोर प्लस थ्री इज़ माइनस वन सो हमें फैक्टर्स मिल गए अब हम स्प्लिटिंग कर लेंगे सो इट इज़ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर यहाँ पे हम थ्री और फोर इसमें कुछ कॉमन नहीं है ओनली एक्स इज़ कॉमन यहाँ बचता है थ्री एक्स यहाँ बचता है फोर अगेन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है हम प्लस वन रख सकते हैं यहाँ बचता है थ्री एक्स एंड माइनस फोर नाउ वी कैन सी ब्रैकेट हमारे सेम टू सेम आ चुके हैं सो थ्री एक्स माइनस फोर कॉमन रखने पर यहाँ बचता है एक्स plus yeah, one so these are the factors of this polynomial